12 तारीख को यहाँ गांव में गांव की पंचायत हुई थी। पंचायत हुई थी बिजली बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि बिजली वाले रात को कदे 2 बजे कदे 4 बजे घरों में प्रवेश करते हैं, दीवार फांद कर घरों के अंदर चले जाते हैं। जब मीटर बाहर लग रहे हैं तो अंदर जाने का क्या मतलब है? अगर अंदर भी जाना है तो भाई लेडी कांस्टेबल हैं, बिजली बोर्ड में भी कार्य करते हैं लेडीज, उनको साथ लो, हमारी भी तो बहू बेटियां हैं। जी आज कॉल थी ट्रैक जाम करने की, तो क्या कुछ फैसला हुआ? फैसला अभी तक कुछ नहीं होया, क्योंकि प्रशासन नहीं आया। प्रशासन आएगा तभी फैसला होगा। और पूछिए सवाल। क्या कुछ निर्णय लिया है अभी तक? अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। कमेटी बनाएंगे, कमेटी निर्णय लेगी। जब प्रशासन यहाँ आएगा, शांतिपूर्वक हम बैठे हैं, शांति से बात करेंगे, हमारी मांग मानो, हम मान जाएंगे। क्या मांग है, क्या चाहते? मांगे बताओ। 12 तारीख को यहाँ गांव में गांव की पंचायत हुई थी। पंचायत हुई थी बिजली बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि बिजली वाले रात को कदे 2 बजे कदे 4 बजे घरों में प्रवेश करते हैं, दीवार फांद कर घरों के अंदर चले जाते हैं। जब मीटर बाहर लग रहे हैं तो अंदर जाने का क्या मतलब है? अगर अंदर भी जाना है तो भाई लेडी कांस्टेबल हैं, बिजली बोर्ड में भी कार्य करते हैं लेडीज, उनको साथ लो, हमारी भी तो बहू बेटियां हैं। एक तरफ तो प्रशासन कहता है, सरकार कहती है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे क्या पढ़ाएं क्या बचाएं? अगर बिजली चोरी का कोई मैटर है, गांव की पंचायत नहीं रोकती, बिल्कुल बिजली चोरी को रोको, इस पर गांव की पंचायत सहमत है। लेकिन इस तरह तरीका थोड़ा है कि रात को ही अंदर जाकर दाखिल हो जाएं, इसलिए ये विरोध होया। उसके बाद जब वो झगड़ा होया, प्रशासन ने आकर 13 तारीख को क्या कराया, मुकदमे दर्ज करने की धमकी देने लग गए। जो साथी सुरेश गुजरिया है उसको धमकाया, उसको कहने लगे भाई मुकदमे होंगे। उसने डिप्रेशन में आ गया, वो बेचारा सुरेश गांव इकट्ठा हो रहा था, गांव के बीच में उसने ये बात कही कि भाई मैं तो इतना दुखी हूँ, मैं तो ही मरूंगा बचूंगा नहीं। ये बात इसका नेम देने के लिए गांव के पंचायती तैयार है, अभी रंगी राम कह के गया है। सारे बहुत बुखला रहा था, पागल हो रहा था भाई, मेरे साथ के बनेगी, क्यों बोले बाले किसान हैं कामों में, भाई पता नहीं क्या बनेगी। तो इसलिए इसी की ही एवज में डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या करी है। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आपसे बातचीत करने के लिए आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी आएगा तो हम बात के लिए तैयार हैं। देखो समझौते तो होते हैं, लेकिन जायज तो हो, उसके लिए पंचायत है ये खाप की, हमारी बनियान खाप है, यहाँ बौन गांव है हमारे, तो हमें ठीक खाप समाज होता है नियम के अनुसार, प्यार से बात करेंगे। कोई अधिकारी है वो दूसरे नहीं है, हम समझते हैं, एक होता है शासन एक प्रशासन। शासन वो है जो लुटेरे चंडीगढ़ में बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, और शासन है जो DC SP जो ये हैं। तो पुलिस प्रशासन के साथ हमारी कोई वो नहीं है, बात तो ये है पूरा अफसर बीच में है, क्या हमारा समझौता की बात शुरू करे, वो क्या चाहते हैं, फिर हमारी कमेटी निर्णय करेगी, जो कमेटी बनाएंगे भाई ये निर्णय है। सरकार का कोई नुमाइंदा आया जी बात करने के लिए? नहीं आया जी, कल शाम ना आए थे। 40 मेंबर कमेटी बनाए रखी है जी, वो कल शाम ना 40 बना रखे प्रधान जी, कमेटी बनाई नहीं वैसे, गांव के बताओ ना आप, पहले बनाई होगी रंगी होने बनाई होगी, मैं बीच में नहीं, 12 तारीख को मैं नहीं। अच्छा, तो कमेटी तो ऐसा है जी, कमेटी बना लेंगे, समय के अनुसार बदली जाऊँ, कोई बात को नहीं, अब कमेटी बना लेंगे। प्रशासन को हमने कह दिया है सीधा तरीका था, तो वरना ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण करेगा, और पे अच्छा भी आंदोलन हुए है। हमारा इलाका जो भौगोलिक स्थिति है, बौन गांव तो मारे हैं, बाकी और साथी कंडाला खा पै रही है, जाना खा पै रही है, दूसरी खापें आने लग रही हैं, कोथा से आ रहे हैं। 12 खाप का ना अभी नुमाइंदा ने समर्थन दिया है, भाई प्रधान का फोन आया है 12 खाप का कि हम आपके साथ हैं, नरवाना खाप आई हुई है। तो 2 दिन लग जियो, यहाँ पर कई हजार आदमी होंगे, द्रौपदी के अंदर भी तो मानने माइनर देखा है, 50 दिन तंग करे, ये जानबूझ कर किसानों को तंग करते हैं।
सर लगातार किसान आंदोलन की बात करें, किसान नेता है जो वो भी जुड़ रहे हैं, किसान जो साथी हैं और जो भी खापे हैं वो भी आपके साथ जुड़ रही है, तो ऐसे में क्या कुछ अभी तक निकल कर आया इनके साथ समर्थन से? अभी तक तो क्या निकलेगा, जब प्रशासन आमने सामने नहीं हुए हमारे, जब प्रशासन आमने सामने होगा तभी कोई बात निकलेगी। किसान संगठन आए हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के लोग आए हुए हैं, सारे संगठन आएंगे, दो दिन बाद देख लो कितना गंभीर रूप धारण करेगा ये आंदोलन। मजदूर संगठन आया हुआ है, मैं छत्ती बरादरी है जी, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, अदमतैन का हूँ, इसमें छत्ती बरादरी है, उसके कल्ले का थोड़ा है किसान का, ये तो मारा भाई है, भतीजा चाचा ताऊ है मारा, है तो दमतैन का, मारा भी तो लग गया कुछ, मैं वाल्मीकि। अच्छा जी, ऐसा है, अभी सुन भाई सुन, अब लगभग 2 बज गए होंगे, सारा दिन जानना हो रहा, दिन छिपने दिन छिपे बाद फिर हमें दागनी लगावांगे, ये हमारी संस्कृति है अपनी हरियाणा की, छिपने के बाद दागनी लगाते, अब तक देख लो प्रशासन नहीं आया, ये हालात है। कहां पर पेज फंस जाता है कि बात नहीं बन रही आपके साथ? वो हम पर पेज तो सुन भी, पेज तो एक बात है भाई साहब, जब वो हमको सूचना दें कि भाई हमारे यहाँ, हम अपने साथियों में पूछेंगे आठ हुआ गए भाई, देखो शांति से बात करनी, झगड़ा ही बात नहीं करनी, झगड़ा में हार होती है, शांति में जीत होती है, हम शांति बनाए रखेंगे, इससे प्रशासन बेपरवाह रहे, शांति प्रिय आंदोलन लड़ेंगे, किसी तरह की कोई गलत बात नहीं आने देंगे। तो क्या मानते हो प्रधान जी, अब तक प्रशासन आपके पास नहीं आया? नहीं आया, कल शाम ना आकर चले गए, क्या मानते हो आप, क्या मन से इसके पीछे? पता नहीं क्या बात है, वो डरे हुए हैं या हम तो कुछ कहेंगे नहीं, ये पहले आश्वासन देंगे हम, क्यों नहीं आ रहे हो तो उनको पता, वो तो उनसे पूछो, आप फोन से संपर्क करो या आप पूछो। प्रशासन की भी एक बात है जी, प्रशासन की मदद कर रहा, देखो इस बात ना क्लियर करा, प्रशासन की मदद कर रहा उसी बचाने के लिए, प्रशासन का तो शोक दे रहा, मारा कोई शोक नहीं दे रहा, मारा गला अन्याय हो रहा, अब हमें एक सोचा किसान होने के नाता है भाई, मामना न्याय मिल जाए, अन्याय मामना मैंने दिखा, ऐसा दिखा मामना मिलता नहीं दिखता, क्यों? प्रशासन का शोक दे रहा, मारा कोई शोक नहीं दे रहा, मम तो ऐडा न्यू सोचा भाई, दो दिन का कहकर आपको दाग ला देंगे, ऐडा मारी डेड बॉडी, अगर डेड बॉडी में कोई भी किसी प्रकार की अड़चन आएगी उसका जिम्मेदार प्रशासन जिम्मेदार होगा, अगर मामे फिर इसका दाग नहीं करांगे। सर ये जो सारा बवाल है बिजली कर्मचारियों की वजह से हुआ है, तो ऐसे में बिजली कर्मचारियों के कोई डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी अभी आपसे कोई बातचीत करने के लिए, सुलह करने के लिए आया अभी तक? नहीं आया जी, DSP साहब आए थे उचाना था शुरू में, DSP साहब आए नहीं, उत्ती सुलझाने की बजाय जड़ा दिया, क्यों जड़ा दिया? वो बेलोटा बोलने लग गया, उसकी उसो की धमकी दे दो, यू परेशान होकर मरिया, यू एक्सीडेंट नहीं है जी, यू मर्डर है, DSP साहब ने धमकी दी थी, हैं? DSP साहब ने धमकी दी है जी, आप पूरी जिम्मेदारी से? हाँ पूरी जिम्मेदारी तक, वहाँ जो चैन वाला जो DSP साहब आया नहीं, वो धमकी दे गया, यू उसका टोस्टर हो गया, उन्हें तो बिजली वाले की धमकी और उन्हें पुलिस प्रशासन की धमकी, उसी टोस्टर हो गया अपनी जैन गमैदी। DSP साहब उचाना था कुलदीप तो अपना उदन थे नहीं, और उसी उस जिम्मेदारी देगा एडा दमतैन भेजे थे, वो जो भी करया वो सांग वो सारा मतलब गलत कर गया। अपने आप एक सोचा भाई प्रशासन तेरे साथ मेरा नहीं के करागा, इस ज्यादा अपना और कुछ नहीं, अपनी जैन समाप्त कर दे। तो अभी तक जैसे कोई अधिकारी भी नहीं मिलने आया, तो ऐसे में पूरा काम राम पूरी खापे यहाँ पर बैठी हुई है, तो अब क्या निर्णय ले लिया है, क्या कुछ निर्णय बाकी है या फिर ले लिया है? ये निर्णय सभी खापे आ रही है आज, जो भी आज 5 बजे तक कबाड़ देखेंगे, यानी 5 बजे तक अल्टीमेटम है? हाँ 5-6 बजे तक का एस्टीमेट है, अगर कोई इस तरह प्रशासन संभालेगा, हाँ 5 बजे का टाइम है, हाँ उस टाइम तक कोई भी आवागा, अगर आएगा इस बात ने छोटी करना चाहवा है, मैं छोटी करने के लिए तैयार हूँ, अगर इस बात ने अगर 5 बजे इस टाइम तक नहीं भी आया
देखो जो भी खाप निर्णय लेंगे और मां मैं मंजूर होगी। फाइनली बताए लास्ट अल्टीमेटम कितने बजे? 4 बजे का। इनको दो। ऐसा है जब भी कहीं ये घटना घटती है, ये प्रशासन घटना घटाता है, तैमसी सरकार के दुलमुल रवैया होता है। ये दुख का समय है, प्रशासन को भी जाग जाना चाहिए। जैसे बात निकट के रही है, हम प्रशासन को अब के बाद जो सही टाइम समय हो गया है 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, सिर्फ ही 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के अंदर हमारे साथ कोई बात करे, वो बात का एजेंडा क्या होगा, वो कमेटी और प्रशासन के बीच के बाकी जो ये साथी बैठे हैं इनके बीच के बात की होगी। लेकिन हमारा ये मानना है अगर प्रशासन बात नहीं करेगा तो ये प्रशासन सुलझाने की बजाय ये मामला उलझा रहा है। हमें ये जाय जो सर्विस सभी तरफ से ये दिख रहा है कि प्रशासन इसमें जानबूझकर ढिलाई बरत रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। जितनी भी ये खापे हैं, जितने किसान संगठन हैं, ये सभी 1.5 घंटे का समय देते हैं। 1.5 घंटे के अंदर हमारे प्रतिनिधि बातचीत चालू करें, वो बात का नतीजा क्या होता है वो अगली बार हम आपको बता देंगे। टाइम क्या है? एक्यूरेट टाइम एक्यूरेट 3 बजे का समय है। अब 1.5 बज चुका है। 1.5 बज चुका है, 1.5 घंटे का और समय। 3 बजे तक प्रशासन हमारे से बात करे, जो भी हमारी यहाँ की कमेटी है, आपने पहले जिक्र कराया 40 आदमियों कमेटी, 30 की 2 की 3 की, ये देखो इस तरह की पक्की कमेटी नहीं होती। लेकिन हमारा यहाँ जो हमारी लोकल कमेटी है, इस गांव की जो गुआंड की जो भी लोकल कमेटी है वो निर्णय करेगी, उसके हम नुमाइंदे भेजेंगे, प्रशासन आए हमारे से बात करे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 1.5 घंटे बाद कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आता है तो आपका क्या कॉल होगी, आपके क्या निर्णय? वो हम आपस में बैठेंगे, फिर 5-4 मिनट में जो भी अगला निर्णय होगा, 3 बजे के बाद हमारी कमेटी स्वतंत्र है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय प्रशासन के लिए काफ़ी होता है, बातचीत ही करनी है, उसलिए आए, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, अपना जो भी निर्णय होगा वो आपस में भाई बैठ के क्या लिया जाएगा, बैठ के कमेटी बैठ के करेगी, अगला निर्णय कमेटी बैठ के करेगी। और आंदोलन अगर लंबा चलाने पर प्रशासन मजबूर करेगा तो आंदोलन लंबा भी चलाएंगे, लेकिन सरकार को झुका कर ही मानेंगे। प्रशासन ऐसी ना सोचे कि ये चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, प्रशासन को पीछे के आंदोलनों से सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए भी प्रशासन को सुचेत रहना चाहिए। ये सभ्य समाज है, सभ्य अपना देश है, इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं, ये प्रशासन की कमियों से 20 से घटनाएं होगी, लोग अपनी हाथ धो रहे हैं, ये अपनी मौज ले रहे हैं। तो हमारा इतना ये फोन किसका भाई?